नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बिहार सरकार के बनने के बाद अब 3 महीने का वक्त हो गया है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इससे पहले कई बार बयानबाजी हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस पे बयान आया कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट आने में देरी हो रही है, इसके वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल देर शाम खबर आई कि आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद 17 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, जो बीजेपी कोटे से 9 मंत्री है और 8 मंत्री जो है जेडीयू कोटे से है। अब कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा ये अभी खबर आना बाकी है। इस पे अब राजद की प्रतिक्रिया आई है। राजद इससे पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था तो इस पे हमलावर थी, लेकिन आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो राजद की प्रतिक्रिया आई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है जिनका कहना है कि भले ही आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है लेकिन हमारा दावा जो है मध्यवर्ती चुनाव का बिहार में वो अभी कमज़ोर नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी वजह से बिहार में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। जीतन राम मांझी का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी जो है पहले से ही दावा कर रहे हैं कि उनको एक और मंत्री पद और एक MLC पद चाहिए, लेकिन इस मंत्रिमंडल में जितने भी नाम आ रहे हैं उसमें सिर्फ बीजेपी और जेडीयू कोटे से जो नेता है उन्हीं का नाम है। क्या कुछ कहा है RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। बिहार में लगभग 3 महीने पर बड़ी मशक्कत के बाद हो रहा कैबिनेट का विस्तार, लेकिन आज भी हम लोगों का दावा है कैबिनेट का चाहे हो जाए विस्तार, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार। अंदर खाने बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बिहार की सरकार डोल रही है, किसी भी समय अपने अंतर्कलह से गिर जाएगी। आदरणीय मांझी जी ने एक मंत्री पद और एक MLC की मांग की थी, उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सरकार चलने वाली नहीं है और अपने अंतर विरोध से ये सरकार गिरेगी। कैबिनेट विस्तार में हुई देरी से ये स्पष्ट दिख रहा था। आज दबाव में भले कैबिनेट का विस्तार हो रहा हो, लेकिन कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीकरा कैबिनेट विस्तार में हो रहे देरी के लिए बीजेपी पर फोड़ा। बीजेपी ने 3 महीने पर किसी तरह से कैबिनेट विस्तार की अनुमति तो उनको दे दी, लेकिन ये सरकार बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं चलाने देगी और हम लोगों के दावे में दम दिखेगा आने वाले दिनों में। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, जिनका कहना है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं है, भले ही आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये अपने अंतर्कलह के कारण ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने के बाद भी ये गिर जाएगी। और जीतन राम मांझी का नाम लेकर के मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी पहले से ही नाराज चल रहे हैं, उनको एक मंत्री और एक MLC का पद चाहिए, लेकिन उनको मंत्रिमंडल के विस्तार से आज दूर रखा गया है और JDU और BJP के नेताओं का इसमें नाम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीतन राम मांझी का प्रतिक्रिया क्या आता है आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।